हम लास्ट थ्योरी जो हमने डिस्कस की है उसको हम एक एग्जांपल की फॉर्म में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. सपोज वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ अ कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. ए के ऊपर जो कंडीशन है वो है ग्रेटर देन ज़ीरो. तो डेफिनेटली हमें इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे फंक्शन के रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई. सिमिलरली हमें इसके डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस की है उसके उसमें ये था कि अगर विद द हेल्प ऑफ दीज डेरिवेटिव्स हम इसके सिंगल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और देन विद द हेल्प ऑफ दीज डेरिवेटिव्स हम इसकी नेचर के बारे में भी बात करेंगे. जो डबल पॉइंट है उसकी नेचर जो है वो हमारे पास किस तरह की है. तो एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लें मीन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ ऑफ एक्स मीन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस एक्स माइनस ए इंटू थ्री एक्स माइनस ए. ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया. सिमिलरली हम इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 2y. तो देन बाई पुटिंग दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो विल फाइंड दिस सिंगुलर पॉइंट. तो अगर हम इसको इक्वल टू जीरो इक्वेट करें यानी पार्शियल रिस्पेक्ट टू y को इक्वल टू जीरो इक्वेट करें मीन 2y इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली इसको आप इक्वल टू जीरो इक्वेट करें तो आपके पास मतलब जो वैल्यूज आएंगी x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू ए बाई थ्री आ जाएगा. देन द पॉसिबल सिंगुलर पॉइंट जो हमारे पास आएंगे वो होंगे ए ज़ीरो एंड ए ओवर थ्री इंटू ज़ीरो. लेकिन पीछे हमने जितनी भी डिस्कशन की उसमें ये बात एक तय थी कि जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उसमें से जो कर्व की ब्रांचेज हैं उनका पास होना ज़रूरी है. मीन वो सिंगुलर पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए. लेकिन ये जो सिंगुलर पॉइंट हमारे पास सेकंड है ए ओवर थ्री ज़ीरो ये कर्व की इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता. बट दिस जो सिंगुलर पॉइंट ए ज़ीरो है हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करता है. तो इसको हम कंसीडर करेंगे अब इस विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगुलर पॉइंट्स हम जो इक्वेशन है जो हमने पीछे डिफाइन की थी उसको हम सॉल्व करेंगे. देखेंगे अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाती है या इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है तो क्या पॉसिबिलिटी. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है वो नोड है. तो वो जो इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व करना था वो हमारे पास इस फॉर्म की थी एफ ऑफ एक्स वाई यानी एट सिंगुलर पॉइंट के ऊपर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ए ज़ीरो मीन एट दिस सिंगुलर पॉइंट हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स मीन एट दिस सिंगुलर पॉइंट हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एंड सिमिलरली जो सेकेंड है हमारे पास एफ ऑफ वाई वाई मीन एट दिस सिंगुलर पॉइंट के ऊपर हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. तो पॉसिबिलिटी है या तो ये ज़ीरो आ जाएगा या ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा या लेस देन ज़ीरो आ जाएगा जब हम इसको एट दिस सिंगुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करेंगे. अब हम देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी को ओबे करती है. एफ ऑफ वाई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था. एफ ऑफ वाई जो हमारे पास आता है वो हमारे पास था 2y था. एफ ऑफ वाई जो था वो हमारे पास 2y था. लेकिन जब हम इसे विद एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करेंगे यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसके फाइंड करेंगे ये हमारे पास 2y था तो ये ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली हमने एफ ऑफ एक्स जो फाइंड आउट किया हुआ था एफ ऑफ एक्स हमने जो फाइंड आउट किया था वो ये था माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ए एंड इंटू थ्री एक्स माइनस ए. तो ये हम डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस थ्री एक्स माइनस ए टू माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस ए. अब एट दिस सिंगुलर पॉइंट यानी एट ए ज़ीरो मीन एक्स जगह पे आप
ए पुट कर देंगे, और अगर इसमें कहीं पे वाई आ रहा है तो वहाँ पे आप जीरो पुट कर देंगे, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि वो वैल्यू यहाँ पे क्या आती है। सिमिलरली आप एफ ऑफ वाई जब डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे, तो रिस्पेक्ट टू वाई ये टू वाई था, तो जब एक दो फिर से रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो है ये टू आ जाएगा। और इसको भी हम एट दिस सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू एट ए जीरो के ऊपर क्या आती है, तो इसकी वैल्यू एट दिस सिंगुलर पॉइंट ए जीरो जो है वो हमारे पास टू ही आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज जब इस इक्वेशंस के अंदर हम ये वैल्यूज जो है ये पुट अप करेंगे तो हमारे पास जो शेप बन जाएगी वो बन जाएगी जीरो माइनस इंटू माइनस टू ए का होल स्क्वायर। ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर ए स्क्वायर, बट ए जो हमने ज्यूम किया था शुरू में वो ग्रेटर देन ज़ीरो था, तो मिट्स मीन हमारे पास ये जो हमारी वैल्यूज़ है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगी। जिस मीन इस इक्वेशन में जो साइन है ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हमारा सिंगुलर पॉइंट था ए ज़ीरो ये नोड होगा। ये हमारी डिस्कशन थी सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में, फिर उनकी नेचर के को हमने डिस्कस किया। कुछ और एग्जांपल्स है वो मैंने हैंडआउट्स के अंदर दी हुई हैं, वहाँ से देख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव।